नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जो काफ़ी कमाल की होने वाली है। प्राइस भी लगभग काफ़ी अच्छा है, बजट में आपको देखने को मिल जाती है, रेंज वगैरह आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, स्पेसिफिकेशन भी कमाल के हैं और लगभग सारे स्पेसिफिकेशन, फीचर, लुकिंग वगैरह काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बस आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नहीं पसंद आती है तो आपको चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हो, यानी कि वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब बात करते हैं यहाँ पर ओबेन रोर के दोस्तों कलर के बारे में। तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है, ब्लैक कलर देखने को मिलता है, तो कलर काफ़ी अच्छे अच्छे रखे गए हैं। उसके बाद अपन बात करें स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे रेंज की, मोटर पावर की, मोटर टाइप की, चार्जिंग टाइम की, कितने टाइम के अंदर चार्ज होती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है या नहीं है, तो लगभग सारी बात अपन यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें दोस्तों स्पेसिफिकेशन में, तो इंजन एंड पावर की, यानी कि मोटर पावर की बात करें तो 1000 वोट की पावरफुल मोटर आपको देखने को मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, वाईफाई देखने को मिलेगा, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा, ट्रिप मीटर डिजिटल मिलेगा। एडिशनल फीचर की बात करें तो GPS आपको मिलेगा, MHX मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम हीट एक्सचेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, और लो LED गेमिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। सीट आपको यहाँ पर स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी और क्लॉक डिजिटल मिल रही है, पैसेंजर फुटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग टाइप की बात करें तो आपको कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगा, और मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पर क्लॉक देखने को मिलती है, राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, पैसेंजर फुटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले आपको बड़ा देखने को मिल जाएगा। बॉडी टाइप की बात करें तो इलेक्ट्रिक बाइक की तरह बॉडी टाइप देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं डायमेंशन एंड कैपेसिटी की। तो डायमेंशन एंड कैपेसिटी में सबसे पहले बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 230 mm का आपको बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जिससे आपको दोस्तों स्पीड ब्रेकर वगैरह पे बिल्कुल भी टच नहीं होगी। बड़ा स्पीड ब्रेकर भी आ जाएगा तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आराम से आपका स्कूटर सॉरी बाइक आपका निकल जाएगा। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो हेडलाइट आपको LED मिल रही है, टेल लाइट LED मिल रही है, टर्न सिग्नल LED मिल रहा है, लो बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 0 से 40 3 सेकंड के अंदर अचीव कर लेती है, और टॉप स्पीड की बात करें तो 100 km पर होर की आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। मोटर टाइप की बात करें तो IPMSM मोटर आपको देखने को मिलेगी, ड्राइव टाइप की बात करें तो बेल ड्राइव टाइप मिलेगा, लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल रही है, और बैटरी वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की आपको वारंटी देखने को मिलती है और 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है। वाटर प्रूफिंग की बात करें तो IP67 आपको देखने को मिल रहा है। मोटर वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल की आपको मोटर वारंटी देखने को मिल जाती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो एक चार्ज में 200 किलोमीटर चल जाती है, कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन 170-180 आराम से ये चल जाएगी। अंडरपिनिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में डिस्क देखने को मिल जाएगा, अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर अगली बात करें यहाँ पर कि बैटरी वारंटी, तो बैटरी की आपको 3 साल की वारंटी देखने को मिलेगी और 50,000 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। वहीं व्हीकल वारंटी की बात करें तो 3 साल की आपको व्हीकल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, और मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम की, कितने टाइम के अंदर ये बाइक चार्ज होता है, तो 3 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, और 200 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है, लेकिन 170-180 आराम से ये चल जाएगा। तो दोस्तों लगभग लगभग मैंने यहाँ पर आपको सारे फीचर्स बता दिए। अब अगर अपन इसकी प्राइस की बात करें तो 1,55,000 में जयपुर राजस्थान एक शोरूम में देखने को मिल जाएगी। ऑन रोड प्राइस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्राइस बता दी है, प्राइस भी दोस्तों लगभग सही है, जितनी इसकी रेंज है, स्पीड है, उस हिसाब से प्राइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर सॉरी बाइक लेना चाहते हो तो आप इसे खरीद सकते हो, क्योंकि अच्छा बाइक है, रेंज अच्छी दे रहा है, टॉप स्पीड अच्छी दे रहा है, तो आपको दोस्तों बिना झिझक के खरीद लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपके नज़दीकी इसका शोरूम सर्विस सेंटर होना चाहिए, तभी आप इसे लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।